दोस्तों आज की ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं किस तरीके से आप लोग अपने YouTube मैनेजर को रिमूव कर सकते हैं। कभी ना कभी किसी न किसी काम से अपन किसी दूसरे बंदे को अपने YouTube का चैनल का मैनेजर बना देते हैं, लेकिन अपन को रिमूव करना नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी देंगे। इसको देखने के बाद आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से आपको अपने YouTube चैनल पर से अपने YouTube मैनेजर को रिमूव करना है, मतलब कि उसको एक्सेस नहीं देना है। तो इस पूरी वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर जी यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मैं अपने कंप्यूटर में एक ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, गूगल क्रोम को। आप ओपन कर लीजिएगा। अगर आपके कंप्यूटर में गूगल क्रोम है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे गूगल खुल जाएगा। अगर गूगल क्रोम नहीं है तो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा www.google.com। सर्च कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा वेबसाइट ओपन हो जाएगी, गूगल की ऑफिशियल। अब ध्यान दीजिए, यहाँ आप देखेंगे ऊपर में सबसे ऊपर साइड में तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे लॉगिन करने का। तो यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल का आईडी और पासवर्ड डालकर अपने चैनल से लॉगिन भेजिएगा। आपको करना क्या है, सिंपल ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है, यहाँ पे सर्च कीजिएगा यूट्यूब। ठीक है, चाहे तो आप यूट्यूब पे आके भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया पहले आप लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, जब यूट्यूब पे आते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका जो यूट्यूब होता है वो ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाता है। ठीक है, मतलब लॉगिन हो जाता है। ध्यान दीजिए आपको करना क्या है, आप देखेंगे साइड में मेरे ऊपर आपको जो लोगो देखने को मिलता है ये वाला देख पा रहे हैं आप। आपका ये मेरे चैनल का लोगो है और जिस चैनल पर मैंने अपना यूट्यूब मैनेजर को बनाया हुआ है उसी चैनल को मैंने ओपन करा है। तो आपने भी जिस भी चैनल पे आपने अपनी यूट्यूब चैनल मैनेजर को बनाया हो उसी चैनल की आईडी पासवर्ड यहाँ पर लॉगिन डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, अब करना क्या है, इस पर को क्लिक करना होगा। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ आप देख पाएंगे आपको एक ऑप्शन देने को मिलता है सबसे ऊपर, इस पर लिखा है, आप देख पाएंगे ये वाला, इस पर लिखा है अपना यूआर चैनल। मेरा हाथ नहीं पोछ पा रहा है, यूआर चैनल लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको यूआर चैनल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक कर देंगे थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इसको बंद कर देते हैं वीडियो को अपन। देखिए तो आपका जो यूट्यूब चैनल है वो खुल जाता है। अब ध्यान दीजिए करना क्या है, सिंपल यहाँ पे हम दो ऑप्शन आते हैं, आता है कस्टमाइजेशन चैनल और दूसरा आता है मैनेज वीडियो। आपको मैनेज वीडियो पर क्लिक करना होता है। जब आप मैनेज वीडियो पर क्लिक करते हैं तो सेकंड विंडो खुल जाती है और यहाँ दूसरा पेज लोड होने लगता है। अब ध्यान दीजिए, जब इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने यूट्यूब का जो डैशबोर्ड होता है वो खुल जाता है कुछ इस तरीके का। आपको ध्यान देना, देखिए अगर आप देखेंगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में साइड, तो आप देखेंगे यहाँ आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहा है सबसे लास्ट में। आप देख पाएंगे, देखिए ऑप्शन लिखे हुए हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे आप, देखिए सबसे नीचे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सेटिंग का। आप देखिए आपको नीचे साइड देखने को मिल रहा है, नीचे इस साइड देखिए, ये माउस दिखा रहा हूँ मैं, तो इस सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। जब सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने सेटिंग के कुछ ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे आता है जनरल, चैनल, अपलोड, डिफॉल्ट, परमिशन, कम्युनिटी, एग्रीमेंट। तो आपको क्लिक करना होता है परमिशन पे, देखिए ये लिखा हुआ है परमिशन। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे परमिशन का ऑप्शन खुल विंडो खुल जाती है और यहाँ पे जिस भी बंदे को आपने अपने चैनल का मैनेजर या ओनर या जो भी बनाया होगा तो उसका यहाँ पे नाम आता है। इसमें तो ये तो मेरा यूट्यूब चैनल की जो आईडी है वो लिखी आ रही है, आप देखेंगे ये एक चैनल है, एक आईडी है जिसको मैंने मैनेजर बना के रखा हुआ है। अब भैया मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, आप जिसको भी करना चाह रहे होंगे उसको यहाँ पे नाम लिखाएगा और यहाँ पे आपको जो आपका चैनल है ना उसकी आईडी देखने को मिलती है और यहाँ जितने भी आपके चैनल पे मैनेजर होंगे ओनर होंगे उन सबकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। एक हो तो एक आएगी, दो है दो आएंगे, तीन होंगे तीन आएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑप्शन आता है। ठीक है, ये मैनेजर हो सकता है यहाँ पे आपने किसी को ओनर बनाया हो या मैनेजर बनाया हो, कुछ भी बनाया हो, या जितने भी आपकी लिस्ट आ रही है और यहाँ पे आप देखेंगे जो भी आपने बनाया होगा वो देखने को मिलता है। वो करना क्या है, इसको रिमूव करना है। तो करना होगा यहाँ पे क्लिक कीजिएगा मैनेजर पे, क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे इनको ज्यादा चेंज भी कर सकते हैं भैया, मैनेजर से एडिटर पे क्लिक कर सकते हैं, व्यूवर्स पे क्लिक कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं। तो फिलहाल बात कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे से अपन किसी भी मैनेजर को अपन रिमूव कैसे करते हैं। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन देने मिलता है रिमूव का, देख सकते हैं रिमूव, आपको रिमूव एक्सेस क्लिक कर देना है। आप क्लिक कर देंगे, सिंपल आपको सब पे क्लिक कर देना होता है। जब सब पे क्लिक कर देंगे आप देखिए होगा प्रोसेसिंग, आपको कंप्लीट प्रोसेस पे क्लिक करना होगा और कुछ सेकंड यहाँ वेट कीजिएगा। यहाँ पे आपको अपने यूट्यूब चैनल का आईडी पासवर्ड डालना होगा, एक बार जो भी आपने YouTube चैनल का जो ID पासवर्ड है उसको फिर से डालिएगा। चलिए मैं डाल देता हूँ और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद इस पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और जो आपका YouTube चैनल का जो मैनेजर था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। दोस्तों चलिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे आपका जिस भी मोबाइल में लॉगिन ID पासवर्ड होगा ना उस मोबाइल में एक नोटिफिकेशन गया होगा, उसको देख लीजिएगा, गूगल की साइट से एक 4-5 अंकों का OTP गया होगा। तो आपकी जिस भी मोबाइल में आपकी जो YouTube चैनल की ID खुली हुई है उसको पहले देखिएगा, वहाँ पे आपको 4-5 अंकों का एक OTP देखने को मिल जाता है। चलिए मैं अपने मोबाइल को चेक कर लेता हूँ।
दोस्तों मैंने कोड डाल दिया था, उसके बाद आप देखेंगे कि मेरा जो मैनेजर था वहां से रिमूव हो चुका है। आपको दिखाना चाहूंगा, सेटिंग पे क्लिक करता हूं और ध्यान देखिए मैं क्लिक करूंगा परमिशन पे। देखिए अब यहां पे सब मैं ही ओनर हूं, कोई भी मैनेजर नहीं है। दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के मैनेजर को रिमूव कर सकते हैं, या जो भी आपने ओनर बनाया हो किसी को भी, या मैनेजर बनाया हो, जितने भी बनाया हो सभी को रिमूव कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, कुछ सीखने को मिला हो, तो मैं आप ध्यान जोकर निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आप सब नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।